चलो ठीक है, देखो विल बी डिस्कसिंग अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन. ओके, सो परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन आपको बोला है मैंने, द कोल्यूजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द कोल्यूजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड, द कोल्यूजन इन विच, पहली बात मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऐसा कोल्यूजन जिसमें क्या होता है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. दूसरी बात बॉडीज स्टिक विद ईच अदर, बॉडीज स्टिक विद ईच अदर आफ्टर कोल्यूजन. ठीक है, हम कहते हैं इस तरह से, ये एक ऐसा कोल्यूजन है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं कोल्यूजन के बाद. ठीक है, एंड दे मूव एज अ सिंगल क्वांटिटी, है ना. ठीक, एंड मूव एज अ सिंगल क्वांटिटी. ठीक, तीसरी दे मूव एज सिंगल बॉडी. ठीक है, ये मूव करती है फिर एज अ सिंगल बॉडी. ठीक है कि नहीं. देखो ऐसे सपोज आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी u1. यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी u2. सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 ज्यादा है तो ये तेज चलेगा ये ऑब्जेक्ट और ये स्लो जाएगा. ठीक है, तो दोनों फिर आपस में कोलाइड करेंगे, टक्कर हो जाएगी. ठीक है, जब कोलिजन हो जाएगा तो हम कहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, इस तरह से दे स्टिक टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और मूव करते हैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है कि नहीं. इसका मास क्या होगा फिर इन दोनों का मिलाकर, दैट विल बी एम वन प्लस एम टू. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, नाउ आपको पता है मोमेंटम कम जरूर रहेगा, इसका मतलब ये है कि एम वन यू वन प्लस एम टू U2 will be equivalent to M1 plus M2 into V. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं तो मास होगा M1 plus M2 and velocity होगी V. तो this is the momentum. ठीक है, after the collision. तो V आप निकाल सकते हो, it is M1 U1 plus M2 U2 divided by M1 plus M2. Okay? This is the final velocity of the object is Both objects after collision. Is that clear? ठीक है, ये final velocity है objects की, किसके बाद, जब वो collision करेंगे तो collision के बाद वाली velocity यही होगी उनकी. ठीक है कि नहीं, है ना. अब यहां पे क्या होता है, इस वाले collision में kinetic energy conserve नहीं रहती है. ठीक है, there is no conservation of kinetic energy. Okay, let me write it fourth point, kinetic energy is not conserved. Okay, इस वाले केस में kinetic energy conserve नहीं रहती है. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कमजोर नहीं रहती है इसका मतलब यह है कि लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और वो लॉस किसके बराबर होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, वो लॉस हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई That is equivalent to half of, okay, initial kinetic energy is half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square. This is the initial kinetic energy, okay, before the collision, right? Minus karenge final kinetic energy. Final kinetic energy is half of m1 plus m2 into v square. ठीक है कि नहीं, है ना? Right? So this is initial kinetic energy and this one is final kinetic energy. So delta E is half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square minus half of m1 plus m2. Now then there is V. V के लिए आपने फॉर्मूला ये निकाली है. ठीक है, तो V is equivalent to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 and then we have okay right square on it. Okay, so this loss of kinetic energy will be one half of will be common there. Okay, we'll take it common. So then we have here, we have m1 u1 square plus m2
u2 square, then minus, okay, we have here m1 plus m2, okay, let me write it like this way, okay, let's write it, m1, m2, then we have this one, it's m1, u1, plus m2, u2, square, and divide mein kya hai, divide mein m1 plus m2, square, ठीक है क्योंकि सुख तो दोनों टर्म्स को है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को भी ठीक है तो डेल्टा ई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ अपनी जगह पे दिस टर्म एम वन यू वन स्क्वायर देन दिस टर्म एम टू यू टू स्क्वायर देन माइनस ओके आई कैन राइट एम वन एम एम वन प्लस एम टू और एम वन प्लस एम टू एक एम वन प्लस एम टू कैंसिल हो जाएगा ठीक है बचेगा क्या ये आएगा ना ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना तो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर means m1 square u1 square a square plus b square b is m2 square u2 square plus twice ab m1 m2 u1 u2 and then divide mein aayega m1 plus m2 okay then you will close the bracket okay it will be half of m1 u1 square plus m2 u2 square minus okay c minus this thing m1 u1 square okay I have to do one more thing ठीक है यहाँ पे पहले एक और चीज कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि उससे जल्दी हो जाएगा आप ये जो m1 by m2 है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके डिवाइड में क्या है इसके डिवाइड में तो वन है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ है ना तो ये क्या बनेगा जब आप m1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी m1 square u1 square है ना फिर इसी m1 से दूसरी वाली टर्म को इट विल बी m1 m2 u2 स्क्वायर फिर इस m2 से इसको तो इट विल बी प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर फिर इस m2 से इसको तो इट विल बी प्लस m2 u2 स्क्वायर ठीक है कि नहीं है ना देन वी हैव माइनस दिस थिंग m1 u1 स्क्वायर ओके लेट मी राइट m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर देन प्लस माइनस देन माइनस m2 square u2 square then plus minus minus twice m1 m2 u1 u2 and whole divide mein all of the terms ko m1 plus m2 is that clear so ab hum dekhte hain ki common factor kya kya cancel ho sakta hai shabash you can see m1 u1 square plus m1 square u1 square plus aur dusri jagah par hai minus m1 square u1 square hai na तो ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये प्लस है और ये माइनस है ना यहाँ पे माइनस ठीक है उसके बाद ये टर्म m2 u2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर दिस इज अ पॉजिटिव टर्म है ना ठीक और यहाँ पे है m2 u m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये भी पॉजिटिव टर्म है ठीक है तो दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट ओके सो क्या बचेगा वहां पे आप देख लो डेल्टा ई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ तो अपनी जगह पे रहेगा और हाफ के साथ m1 plus m2 भी डिनोमिनेटर में है तो आई विल राइट इट हियर m1 plus m2 ओके बचा क्या ये m1 u1 square और m1 u1 square कैंसिल m1 square u2 square और m1 square u2 square कैंसिल है ना ठीक तो वहां पे बचेगा खाली ये बचेगा जो मैं लिख रहा हूं इट विल बी m1 m2 u2 square plus m1 m2 u1 square then minus twice m1 m2 u1 u2 and then we have divide okay divide mein to m1 plus m2 tha wo to humne likh diya theek hai okay then this will be delta e that is half of okay let us write it m1 m2 m1 m2 m1 m2 it will be common hai na m1 m2 divide mein 2 times m1 plus m2 then this thing will be u1 u2 square प्लस यू वन स्क्वायर माइनस टू टाइम्स यू वन यू टू ओके एंड व्हाट दिस थिंग विल बी इक्वल टू ओके इट विल बी देन ओके यू मे राइट इट दिस इज डेल्टा ई दैट इज एम वन एम टू डिवाइड बाय टू टाइम्स एम वन प्लस एम टू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी देन दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट क्लियर Okay, if you write u2 minus u1 whole square, then it's okay. Huh? It's also okay. Theek, u1 minus u2 square, u2 minus u1 square. Because there is a square,
इट विल एनी वे बिकम पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, है ना। सो दिस थिंग इज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, ओके, दिस थिंग इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये टर्म, ये फॉर्मूला आपको बताएगा फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देख लो आप, वो ये है कि व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पर होगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, व्हेन टारगेट इज एट रेस्ट, है ना, ठीक, व्हाट विल हैपन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी m1 m2 ट्वाइस m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर, क्योंकि जब टारगेट रेस्ट पे होगा तो u2 जीरो रहेगा, है ना, तो ये टर्म जीरो बन गई, तो बना क्या, u1 स्क्वायर, बस, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अगर टारगेट ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, व्हेन द टारगेट बॉडी हैज वेरी लार्ज मास, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट, द कोलाइडिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, व्हेन टारगेट बॉडी हैज लार्ज मास, व्हेन टारगेट बॉडी हैज लार्ज मास, मान लीजिए जो टारगेट बॉडी है उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, टारगेट बॉडी मीन्स m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब कोलिजन बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, ये छोटा सा पार्टिकल एक बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है ना, ठीक। तो उस केस में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, आप उसके केस में कहोगे कि सर अगर m2 ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम m1 को फिर नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप m1 को नेगलेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो, डेल्टा ई विल बी m1 m2 डिवाइडेड बाय, यहां पे देख लो नीचे वाले टर्म में, टू अपनी जगह पे देख लो, m1 को m2 प्लस करोगे, लेकिन m2 बहुत ज्यादा है ना, तो जब आप m2 को m1 प्लस करोगे तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये m2 ही रहेगा, ठीक है, एंड हियर इट विल बी u1 माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है, तो डेल्टा ए विल बी m2 एंड m2 कैंसिल, तो इट विल बी 1/2 ऑफ m1 u1 माइनस u2 स्क्वायर, ओके। देन यू कैन आल्सो अज्यूम कि अगर इसी केस में टारगेट बॉडी रेस्ट पर है तो u2 जीरो आएगा, तो ये आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक, दैट इज अ सिंपल केस, ओके, यू कैन जस्ट हैव दैट, इफ वी डू दैट थिंग ऑल्सो व्हाट वी ऑब्टेन इज लाइक दिस वे, अगर हम इस केस को करेंगे तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं, टारगेट इज एट रेस्ट एंड टारगेट इज एट रेस्ट, मान लो टारगेट रेस्ट पर है, इस तरह से केस बन जाएगा, फिर ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास m1, छोटा सा ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट, ये कोलाइड कर रहा है एक बड़ी बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ m2, लेकिन जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, रेस्ट पर है, ठीक है कि नहीं, है ना, इट इज सिंपल एज कि आप क्या करोगे, इट इज सिंपल कि आप एक छोटा सा पत्थर उठा के एक बड़ी सी दीवार पे आप फेंक दोगे, ठीक है, एक बड़े से पत्थर के ऊपर आप फेंक दोगे, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m1, ओके, सी 1/2 m1, देन u2 तो जीरो है, देन u1 स्क्वायर, ओके, जैसा किया अभी, ठीक है, u1 स्क्वायर, तो अगर ये इसकी वेलोसिटी u1 थी, देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, है ना, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ टकराएगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, है ना, एक बड़ा सा दीवार लो और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर मार दो, ऑन लेवल, उस छोटे से पत्थर की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, है ना, ठीक, लॉस हो जाएगी, लेकिन उस दीवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, इट विल रिमेन एज सच, ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द इलास्टिक कोल्यूजंस इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कोल्यूजंस, ओके, लेट मी से यू अ लास्ट पॉइंट हियर, इफ यू विल टॉक अबाउट इन इलास्टिक कोल्यूजंस, अगर आप इसके बाद डिस्कस करोगे इन इलास्टिक कोल्यूजंस को, ओके, दैट इज अ स्मॉलर सिंपल पॉइंट, आई विल शो इट इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, अगर हम ये केस डिस्कस करेंगे, ये दूसरा टॉपिक, इन इलास्टिक कोल्यूजंस, इन टू डायमेंशंस, ओके, इन इलास्टिक कोल्यूजंस इन टू डायमेंशंस, राइट, तो इस वाले केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी इस वाले केस में, अगर इस तरह से कंसिडर किया जाए कि यहां से एक ऑब्जेक्ट है
मास m1, मूविंग विद वेलोसिटी u1, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2, मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड अप्रोक्सीमेशन इज u1 इज ग्रेटर देन u2, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोल्यूजन के बाद एक यहां से चला जाएगा v1 और कोल्यूजन के बाद एक यहां से चला जाएगा v2। अगर ये एंगल थीटा यहां पे है, ये एंगल यहां पे क्या है, फाई, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, आप मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, जरा बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस बताना पहले आप, क्योंकि यहां पे दो डायमेंशन है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मोमेंटम होगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा m2 u2, विच इज इक्वल टू, अब अगर इसका मोमेंटम देखा जाए, उसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे मोमेंटम के, है ना, एक कंपोनेंट यहां से निकलेगा, अगर इसका मोमेंटम p1 है तो एक निकलेगा यहां से, दैट इज p1 cos थीटा, है ना, थीटा एंगल यहां से, और दूसरा यहां से निकलेगा जिस क्या होगा p1 sin थीटा, है ना। सिमिलरली इसको भी निकलेंगे, यहां से निकल रहा है तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा यहां से p2 cos phi और एक होगा यहां से p2 sin phi, ओके। यू कैन रेफर टू व्हाट द इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन लेक्चर जो मैंने दिया था, उसमें मैंने ही कहा था, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम क्या होगा, p1 cos और p2 cos theta, p1 cos theta प्लस p2 cos theta, है ना, तो ये क्या बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2, इस p1 तो पता ही है इट्स m1 v1 cos theta, p2 तो m2 v2 cos, ओके इट्स phi, तो cos phi, ठीक है, ये एक इक्वेशन निकली, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्सो अगर y एक्सिस में देखा जाए तो y एक्सिस में देखो, ये ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा, ये x एक्सिस में जा रहा है ना, तो इसका क्या होगा मोमेंटम, जीरो। ये भी x एक्सिस पे जा रहा है, y एक्सिस पे नहीं जा रहा है, तो जीरो। इसका क्या होगा अपर वाली डायरेक्शन में p1 sin थीटा, है ना, y एक्सिस से, और प्लस y एक्सिस से यहां पे फिर माइनस p2 sin phi, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, p1 sin थीटा इज इक्वल टू p2 sin phi, ठीक है कि नहीं। सो दीज टू इक्वेशन, और कोई प्रिंसिपल नहीं लगाया जा सकता, काइनेटिक एनर्जी का जरूर नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आप देखो दीज आर टू इक्वेशंस, है ना, वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है v1 v2 थीटा और phi, है ना, ठीक, चार वेरिएबल्स हमारे पास है, लेकिन इक्वेशंस कितनी है, दो, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्वड, ओके, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्वड, आपको दो पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जब आपको दो पैरामीटर्स पता होंगे तब कितने वेरिएबल्स बचेंगे, दो ही बचेंगे फिर, ठीक है, तो आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हो दो इक्वेशन से, है ना। अदरवाइज इन सच अ केस इफ यू हैव फोर वेरिएबल्स टू इक्वेशंस यू कैन नॉट सॉल्व दैट, ओके, लीव इट, यू कैन नॉट सॉल्व, राइट, यू शुड बी हैविंग टू वेरिएबल्स नोन हियर, आपको दो पता होने चाहिए, कोल्यूजन के बाद वाले जो वेरिएबल्स है ना v1 v2 थीटा और phi, उनमें से आपको दो कम से कम पता होने चाहिए, दो पता होंगे तो आप ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्वड बिकॉज देयर आर फोर वेरिएबल्स एंड ओनली टू इक्वेशंस, राइट, बिकॉज देयर इज अ थ्योरम दैट विच सेज दैट कि फोर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फोर वेरिएबल्स होने चाहिए, एन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एन इक्वेशन चाहिए, ठीक है, बट यू हैव नंबर ऑफ वेरिएबल्स हियर मोर एंड इक्वेशंस लेस, सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्वड बाय दिस मेथड, ओके।